पुलिस भी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन होल्डिंग्स को कौन लगा रहा है, तो क्या अभी इसका कुछ पता चल पाया है? देखिए दिया, जैसा कि बता दे, जनता के मुद्दों पर ध्यान दिया जाए चाहे न दिया जाए, लेकिन अब सियासत का जागरूकता अभियान तेज होता हुआ नजर आ रहा है। कानपुर की बात करें, इससे पहले खेला हुई नारे लगाए गए थे, अब ये चंदा चोरों से सावधान के नारे कानपुर के अंदर बड़ी बड़ी होल्डिंगें कल शाम को देर रात को लगाई गई। ये होल्डिंगें शहर के तमाम चौराहों पर लगाई गई। उनके बाद हालांकि किसी पार्टी का इसमें जिक्र नहीं किया गया है किस पार्टी की ओर से या किसकी ओर से ये सारी होल्डिंगें कानपुर के अंदर लगवाई गई है, लेकिन ये तो तय है कि सियासत का जो टेम्परेचर है अब वो लगातार यूपी के अंदर होल्डिंग फोर्स के जरिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखते जिस तरीके से ये चंदा चोरों से सावधान, इसमें कहीं ना कहीं जो सरकार को है उस तरीके के घेरने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इस मामले में जब पुलिस को रातों रात भनक लगी कि इस तरीके की शहर में तमाम जगह होल्डिंग लगवाई गई है, तो पुलिस ने आनंद फानंद में वहां पर पहुंचकर पोस्टरों को उतरवाया, होल्डिंगों को उतरवाया। उसके बाद पुलिस अब साफ तौर से किसके तरफ से ये सब होल्डिंगें लगवाई गई हैं उनकी जांच में, घटना की जांच में जुट गई है। किस तरीके से शहर में इस तरीके की होल्डिंग को लगा करके सियासत को तेज करने का प्रयास किया जा रहा है। जी गौरव, क्या लगता है जिस तरह से चंदा चोरों से सावधान रहे ये होल्डिंग्स लगाई जा रही है, क्या लगता है क्या इसके पीछे का मकसद है? देखिए इतना तो तय है कि अब यूपी के अंदर सियासत का जो टेम्परेचर है वो लगातार दिन पर दिन जब चुनाव आते आते और भी तेजी से पोस्टर वार के जरिए बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये बात अब तय हो चुकी है जिस तरीके से पोस्टर के जरिए सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। ये सरकार को एक तरीके से पहले खेला हुई के नारे के जरिए घेरा गया है, अब चंदा चोरों से सावधान, इस तरीके